কম ইনকাম করে এরকম একটা মাইকিউটেড দিব হলে একটা ভিড় লেগে যায় এবং সময়ের সে উপযুক্ত ফলাফল করতে আধিপত্য ধরে রেখেছে। স্বাগতম সবাইকে মিচুরিকশনে, আমরা চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে আজকে আরও একটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর আজকে আমরা যে ভিডিওটি দেখব সেই ভিডিও টাইটেলটি হচ্ছে টপ 10 হাইয়েস্ট পেড সাউথ ইন্ডিয়ান অ্যাক্টর আলু অর্জুন, প্রবাস, মহেশবাবু, থালাপাতি বিজয়, ইয়াস। বুঝতেই পারছেন যে দক্ষিণের সব টপ টপ যে নায়করা আছে তাদের যে পেড এবং তাদের যে মুভির যে আর্নিং, তারা আর্নিং কত টাকা করে একটা মুভির জন্য, সেরকম টাইপের কোনো ভিডিও থাকবে নিশ্চিত। আর এই ভিডিওটি আমরা নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল AKB মিডিয়া থেকে। আপনারা চাইলে ওনাদের অরিজিনাল ভিডিওটি আমাদের ভিডিওর নিচ থেকে দেখে নিতে পারেন, কারণ আমরা ওখানে লিঙ্কটি শেয়ার করে দিব। তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 हाईएस्ट पेड साउथ इंडियन एक्टर्स के बारे में, और आपको बताएंगे दोस्तों 2021 में साउथ के किस हीरो को एक फिल्म में काम करने के लिए कितने करोड़ की फीस मिलती है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपका फेवरेट साउथ इंडियन एक्टर कौन है। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 10 की। तो नंबर 10 पर अपनी जगह बनाकर बैठे हैं विजय देवरकोंडा, जो कि एक तेलुगु एक्टर है और उनके करियर में बहुत सारी फिल्में ऐसी है जिन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लेकिन दोस्तों विजय देवरकोंडा के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है गीता गोविंदनम और अर्जुन रेड्डी। हालांकि दोस्तों बात करें विजय देवरकोंडा के फीस के बारे में, तो विजय देवरकोंडा को पहले फिल्मों में काम करने के लिए मुश्किल से 7 से 8 करोड़ रुपए मिलते थे। लेकिन दोस्तों विजय देवरकोंडा की मुश्किल टाइगर, जो कि एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, इस फिल्म में काम करने के लिए विजय देवरकोंडा को फीस मिली है 25 करोड़ रुपए की। इसी के साथ दोस्तों विजय देवरकोंडा साउथ इंडिया के टॉप 10 हाईएस्ट पेड एक्टर बन जाते हैं। बात करें नंबर 9 की, तो नंबर 9 पर है यंग टाइगर जूनियर एनटीआर। ये भी एक तेलुगु एक्टर है। लेकिन दोस्तों इनकी फिल्मों को जब तेलुगु स्टेट में रिलीज किया जाता है तो इनकी फिल्मों के फर्स्ट डे फर्स्ट शो पूरी तरह से हाउसफुल रहते हैं, और कई मायने में लोग इन्हें मास का बाप कहते हैं, क्योंकि मास ऑडियंस के बीच में यंग टाइगर एनटीआर काफी ज्यादा पॉपुलर है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें यंग टाइगर जूनियर एनटीआर की फीस के बारे में, तो दोस्तों जूनियर एनटीआर को भी अपनी फिल्मों में काम करने के लिए पहले मुश्किल से 20 या 25 करोड़ रुपए की फीस मिलती थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जूनियर एनटीआर इसी के साथ दोस्तों जूनियर एनटीआर इंडिया के टॉप 9 हाईएस्ट पेड एक्टर बन जाते हैं। वही दोस्तों नंबर 8 पर है अल्लू अर्जुन। जी हाँ दोस्तों, अल्लू अर्जुन जो कि तेलुगु सिनेमा एक सुपर स्टार है, लेकिन तेलुगु के अलावा अल्लू अर्जुन की जो फैन ज्यादा है, साथ ही साथ हिंदी डब में तो इनके फैंस आपको काफी ज्यादा देखने को मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों अल्लू अर्जुन की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी ओपनिंग लेती है, और अल्लू अर्जुन की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर मैक्सिमम सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर ही रहती है। लेकिन दोस्तों अल्लू अर्जुन को पहले फिल्मों में काम करने के लिए जो फीस मिलती थी वो थी 20 से 25 करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों अल्लू अर्जुन की जो अपकमिंग फिल्म है पुष्पा, इस फिल्म में काम करने के लिए अल्लू अर्जुन को फीस मिली है टोटल 35 करोड़ रुपए। अल्लू अर्जुन की पुष्पा फिल्म एक पैन इंडिया फिल्म होगी, जिस फिल्म को तेलुगु के अलावा तमिल, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी टोटल 5 भाषाओं में रिलीज किया जाना है। तो नंबर 7 पर है मेगा पावर स्टार रामचरण। दोस्तों रामचरण ने जब अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी तब लोग सिर्फ इतना जानते थे कि रामचरण चिरंजीवी के बेटे हैं। लेकिन दोस्तों पिछले पहचान बना ली है, और बॉक्स ऑफिस पर उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, जैसे कि रंगास्थलम, इसके अलावा मगधीरा, ध्रुवा और भी ढेर सारी फिल्में। रामचरण को एक फिल्म में काम करने के लिए कितने फीस मिलती है, तो दोस्तों रामचरण ने अपने अपकमिंग फिल्म RC15 के लिए टोटल फीस चार्ज की है 50 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि RC15 जिस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं शंकर, और यह फिल्म एक पैन इंडिया फिल्म होगी। हालांकि दोस्तों रामचरण की अपकमिंग फिल्म है RRR, जो कि रिलीज होने वाली है इसी साल दशहरे के मौके पर। दोस्तों नंबर 6 पर है रॉकिंग स्टार यश।
दोस्तों रॉकिंग स्टार यश एक कन्नड़ा सुपरस्टार थे। चैप्टर 1 रिलीज होने के बाद वो रातों रात पैन इंडिया सुपरस्टार बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रॉकिंग स्टार यश की पहली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर मुश्किल से 30-40 करोड़ की कमाई कर पाती थी, लेकिन दोस्तों उनके करियर में एक फिल्म आई KGF चैप्टर 1, जिस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली थी। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि रॉकिंग स्टार यश की अपकमिंग फिल्म KGF चैप्टर 2, इस फिल्म में काम करने के लिए रॉकिंग स्टार ने 50 करोड़ जो कि उनकी पिछली फिल्मों की टोटल कमाई से भी ज्यादा है। आपको बता दें दोस्तों KGF चैप्टर 2 जो कि इसी साल रिलीज होगी, और इस फिल्म में हमें रॉकिंग स्टार यश के साथ संजय दत्त भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों नंबर 5 पर है तेलुगु सिनेमा के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार महेश बाबू। जी हाँ दोस्तों, महेश बाबू जो कि टॉलीवुड के क्यूट लगे कहलाते हैं। महेश बाबू सर की जितनी भी लास्ट फिल्में हैं जैसे कि महर्षि, श्रेलारू नेक्केवारू, भारत अन्ने नेनु, इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की है और सभी की सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित रही थी। इसी के चलते दोस्तों आज महेश बाबू को एक फिल्म में काम करने के लिए भारी भरकम रकम मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुपरस्टार महेश बाबू आज के समय में एक फिल्म में काम करने के लिए फीस लेते हैं 60 करोड़ रुपए। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू की अपकमिंग फिल्म का नाम है सरकारू वारी पाता, जो कि रिलीज होगी 2022 के संक्रांति। बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर है पावर स्टार पवन कल्याण सर। दोस्तों पवन कल्याण सर एक ऐसा नाम है जो कि तेलुगु इंडस्ट्री में खराब से खराब फिल्म भी बनाए तो भी उनकी फिल्मों को पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर पवन कल्याण सर की अभी हाल ही में रिलीज फिल्म जिसका नाम था वकील साहब, जिस फिल्म को कोरोना वायरस के खौफ के बीच में रिलीज किया गया, उसके बावजूद भी वकील साहब फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन वर्ल्ड वाइड 50 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी, जिससे दोस्तों साफ पता चलता है कि पवन कल्याण सर का जो क्रेज और जो स्टारडम है वो तेलुगु सिनेमा में इस वक्त पीक पर है। लेकिन दोस्तों बात की जाए कि पवन कल्याण सर को एक फिल्म में काम करने के लिए कितने करोड़ की फीस मिलती है, तो दोस्तों पवन कल्याण सर को पहले एक फिल्म में काम करने के लिए 30 से 40 करोड़ रुपए मिलते थे। लेकिन दोस्तों पवन कल्याण सर की जो अपकमिंग फिल्म है हरी हरा वीरा मल्लू, जो कि एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, इस फिल्म में काम करने के लिए पवन कल्याण सर को टोटल 70 करोड़ की फीस मिली है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक फिल्म हरा हरा वीरा मल्लू फिल्म में काम करने के लिए पवन कल्याण सर ने टोटल 70 करोड़ रुपए की फीस वसूल की है। वही दोस्तों अब अगर बात करें नंबर 3 की, तो नंबर 3 पर है तमिल सिनेमा के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार थलापति विजय। थलापति विजय की जो लास्ट 4-5 फिल्में हैं जैसे कि मर्सल, मास्टर मूवी सरकार, इसके अलावा मास्टर जो कि इससे साल रिलीज हुई थी, इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मिनिमम 200, 250 और 300 करोड़ की कमाई की है, जिससे दोस्तों साफ पता चलता है कि इस वक्त थलापति विजय की टक्कर में तमिल सिनेमा में कोई भी नहीं है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। जी हाँ दोस्तों, उनकी इसी साल रिलीज हुई मास्टर, जिसे जनवरी के महीने में रिलीज किया गया था और सिनेमा घरों में उस वक्त सिर्फ 50% की ऑक्यूपेंसी थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों थलापति विजय की फिल्म मास्टर ने बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी। हालांकि दोस्तों बात की जाए कि थलापति विजय सर को एक फिल्म में काम करने के लिए कितने करोड़ की फीस मिलती है, तो दोस्तों आपको बता दें कि थलापति विजय को अपनी लास्ट ईयर रिलीज फिल्म बिगिल में काम करने के लिए टोटल 80 करोड़ रुपए की फीस मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बिगिल जो कि पिछले साल ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी, इस फिल्म में काम करने के लिए थलापति विजय ने टोटल 80 करोड़ रुपए की फीस ली थी। हालांकि दोस्तों बिगिल अभी तक हिंदी डबिंग रिलीज नहीं हुई है, लेकिन बिगिल के हिंदी डबिंग से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है तो आपको मेरे चैनल AKB मीडिया पर सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों अब अगर बात करें नंबर 2 की, नंबर 2 पर है साउथ सिनेमा के गॉड रजनीकांत साहब। रजनीकांत सर का इतना क्रेज है साउथ इंडिया में कि उनकी फिल्म भले कितनी खराब क्यों ना हो, उस फिल्म को पहले दिन देखने के लिए सिनेमा घरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग जाती है। हालांकि दोस्तों रजनीकांत सर की पिछली जितने भी फिल्में आई है सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई कर ली है, जिसके चलते दोस्तों आज के समय में रजनीकांत सर को एक
फिल्म में काम करने के लिए इतनी बड़ी फीस मिलती है जितना तो बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी नहीं कर पाती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रजनीकांत साहब आज के समय में एक फिल्म में काम करने के लिए फीस लेते हैं 100 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, लास्ट ईयर रजनीकांत सर की जो फिल्म आई थी दरबार, जिस फिल्म को A.R. मुरुगदास ने डायरेक्ट किया था, उस फिल्म में काम करने के लिए रजनीकांत सर ने टोटल 100 करोड़ की फीस ली थी। वही दोस्तों बात करें नंबर वन की, तो नंबर वन पर है पेन इंडिया सुपरस्टार प्रभास। जी हाँ दोस्तों, प्रभास एक ऐसा नाम जिस नाम से फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 200-300 करोड़ की कमाई तो बड़ी आसानी से कर जाती है। जी हाँ दोस्तों, प्रभास पहले इतने बड़े सुपरस्टार नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने करियर के पूरे 5 साल दिए थे बाहुबली 1 और बाहुबली 2 को, और इन 5 सालों के बीच में प्रभास ने सिर्फ दोनों ही फिल्मों में काम किया था, जिसके चलते दोस्तों प्रभास को उसका फल भी मिला और बाहुबली 1 और बाहुबली 2 इंडियन सिनेमा की एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी। लेकिन दोस्तों बाहुबली 2 रिलीज होने के बाद प्रभास की जो फीस है वो कई गुना बढ़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि बाहुबली के पहले प्रभास एक फिल्म में काम करने के लिए चार्ज करते थे 10-15 करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों बात करें कि इस समय प्रभास को एक फिल्म में काम करने के लिए कितने करोड़ की फीस मिलती है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि प्रभास की जो अपकमिंग फिल्म है आदिपुरुष, इस फिल्म में काम करने के लिए प्रभास को टोटल फीस मिल रही है लगभग 110 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आदिपुरुष में काम करने के लिए प्रभास को 110 करोड़ रुपए की फीस मिल रही है। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं कि इस समय प्रभास की कई फिल्में हैं जो कि आने वाली है, जैसे कि उनकी सबसे पहली फिल्म आएगी राधे श्याम, इसके बाद में सलार है, आदि पुरुष है, प्रभास 21 है, और भी बहुत सारी फिल्में अनाउंस होना बाकी है। तो दोस्तों सही मायने में देखे जाए तो आज के समय में साउथ इंडिया में अगर सबसे ज्यादा किसी सुपरस्टार की फीस है तो वो है प्रभास। बाकी दोस्तों साउथ में जितने भी सुपरस्टार हैं, इनमें से आपका फेवरेट एक्टर कौन है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके अपने इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने। हमारे का तो एक्चुअली 10 जने হচ্ছে ফেভারিট না। এখানে যতগুলো অ্যাক্টর কে দেখলাম তা ওনাদের সবারই কিছু না কিছু মুভি কিন্তু আমি দেখেছি। তো আমার কাছে বিজয় দেবর কুন্ডা যাকে 10 নম্বরে দেখেছে ওনার মুভি আমি সবচেয়ে কম দেখেছি, আর ওনার ফেসটা আমার কাছে অতটা পরিচিত মনে হয় না যেহেতু আমি দেখিনি সে কারণে। বাট 9 নম্বরে যিনি আছেন JRNTR, ওনাকে তো ঠিকই তুমি চেনো। হ্যাঁ, ওনার অনেক মুভি আছে যেগুলো অনেক সুন্দর সুন্দর মুভি, যেগুলো অনেকবার দেখা হয়েছে। এবং 8 নম্বরে ছিল আলু অর্জুন, এটা আসলে আমি এক্সপেক্ট করিনি যে আলু অর্জুন এত কিছু মুভি দিয়ে থাকবে। আমি বলেছিলাম 3-4-5 নম্বর বা 2 নম্বরের দিকে থাকবে সেরকম, বাট ওনাকে আর অনেক পিছনে দেখালো সে। তারপরও কিন্তু তার 35 কোটি রুপি তার কিন্তু ইনকাম হচ্ছে প্রত্যেকটা সিনেমাতে সে চার্জ করছে। হ্যাঁ, সেটা তো আসলে অনেক বেশি আমি মনে করবো। আর ভদ্রলোক যিনি হচ্ছে চ্যানেলটিতে কথা বলছিলেন, উনি কিন্তু বারবার বলছিলেন যে অনেক সবচেয়ে খুব কষ্টে কষ্টে এরকম আর কি এত কম ইনকাম করে এরকম একটা মানে। কারণ কারণ উনিও চিন্তা করেছিল যে আলু অর্জুন হয়তো বা আরো সামনের দিকে র্যাঙ্কিং এ হবে, কেননা সে আসলে অনেক। না, আমার কাছে সেটা মনে হয়নি, কারণ এটা মনে হচ্ছে যে উনি আসলে বলতে চাচ্ছে যে ওনারা অনেক কষ্টে অনেক কম টাকা উপার্জন করছে এরকম। ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে না, লাইফ কিন্তু এর থেকে 1000 গুণ কম টাকা তো অনেক মানুষের লাইফ চলে, তো এই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করলে অনেক সময় মনে হয় যে অন্য কাউকে আমি ছোট করছি কিনা, আমি জানি না, আমার কাছে মনে হয়েছে, বাট সেটা তার কাছে না মনে হইতে পারে বা সে। আর তাছাড়া ক্রমান্বয়ে এরপরে যারা ছিল যেমন মহেশ বাবু, থালাপাতি। হ্যাঁ, মহেশ বাবু তো সবসময় কিউট লাগে, কিউটের ডিবা। আর থালাপাতি বিজয়ের অ্যাক্টিং তো তুমি দেখেইছো, তার গানগুলো আমাদের আসলে খুবই ভালো লাগে। আর ইয়াশের মুভি তো ডান্সগুলো, হ্যাঁ হ্যাঁ ডান্স। আর ইয়াশ তো KGF এর জন্য আসলে সে টোটালি হিট, আর তার যে অ্যাটিটিউড সেটা আসলে সেই রকম। অ্যান্ড ফাইনালি যদি আমরা যেটা চিন্তা করি, প্রথম দিকে 1-2-3 যারা আছে আসলে তারা 1-2-3 থাকার মতোই যোগ্য। আমরা আসলে এখন যখন 10 জনকে নিয়ে কম্পেয়ার করেছি তখন আমাদের কাছে এটাই মনে হচ্ছে আসলে তারা 1-2-3 থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। রজনীকান্ত স্যার আসলে 1-2 থাকবে সেটা হিসাবে সে 2-এ আছে। আমার মুভি হলো ওনাকে কিন্তু বলা হয় যে মুভি ইন্ডাস্ট্রিতে ওনাকে গুরু মানা হয়, তো ওনার মুভি বের হলে আমি মনে হয় যে ওনার অলরেডি এতটা দর্শক আছে যে ওনাকে এমনিতেই খুব পছন্দ করে,
মনে করো যে হ্যাঁ হলে একটা ভিড় লেগে যায়, এবং ওনার মুভি রিলিজ হলে প্রথম দিনে আসলে 100 কোটির মতো আর্নিং হয়ে যায়। আর একে আছে প্রবাস, প্রবাস আসলে যথারীতি আসলে সে কিন্তু বাহুবলী মুভিতে অনেক বেশি সময় দিয়েছে, হ্যাঁ, এবং সে কিন্তু সময়ের সে উপযুক্ত ফলাফলও কিন্তু পেয়েছে। আমার কাছে মনে হয় এটা যথেষ্ট পরিমাণ সম্মান তার জন্য, এবং অভিনয় জগতে বলবো যে তাকে কিন্তু খুব সম্মানের একটা জায়গাতে সবাই নিয়ে গেছে, এবং তার অভিনয় দেখে কিন্তু অভিভূত এই জায়গাটাতে বাহুবলি 1 এবং 2 যেটাই বলি না কেন আমরা। তাছাড়াও তার পেমেন্টের ইস্যুটা যে এখন আসছে সেটা কিন্তু, সে তার ক্যারিয়ার দেশে কষ্ট করেছে দেখে কিন্তু এখন এই জায়গাটা পৌঁছে গেছে, হ্যাঁ, পরবর্তীতে সে অন্য এত ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেছে যে সবাই কেউ তাকে কিন্তু এখন আর ধরতে পারছে না। আর প্রবাস যদি এই বাহুবলি মুভির জন্য যদি 5 বছর সময় না দিয়ে সে যদি ঘন ঘন মুভি করতো, তাহলে আসলে রজনীকান্ত স্যারই হয়তো 1 নম্বরে থাকতো। হ্যাঁ, এটা ঠিক। আর আমার কাছে মনে হয় যে এখানে প্রবাস তার কষ্টের মূল্যটা পেয়েছে, এবং রজনীকান্ত স্যার কিন্তু তার আধিপত্য ধরেই রেখেছে। দুজনের কাউকেই তোমাকে এখানে কিন্তু আলাদা করা যাবে না, উনি ওনার আধিপত্যটাকে ধরে রেখেছে এখনো এই বয়সে, যে দর্শকের মন জয় করে এই জায়গাটাতে বসে থাকা। অনেক হয় না, অনেক মুভি করলো, মুভি করার সাথে সাথে কিন্তু অনেকেই একটা মুভি ভালো হয়েছে কিন্তু আরেকটা মুভিতে সে ভালো করলো না, তাকে কিন্তু দর্শক ভুলে যায় অনেক সময়, বা তার মুভি আর কেউ দেখতে চায় না তার অভিনয় কেন। কিন্তু উনি এই বয়সে এখনো পর্যন্ত মুভি করে এবং দর্শকের টেনে ধরে রেখেছে উনি। রজনীকান্তের ছবি আসলে সবাই হলমুখী হয়। আর যথারীতি এই যে ভিডিওটি দেখলাম, ভিডিওটি র্যাঙ্কিং করা হয়েছে হাইয়েস্ট পেইড হিসেবে, কিন্তু ওভারঅল যদি আমাকে বলা হয় যে তাদেরকে র্যাঙ্কিং করতে অভিনয়ের দিক থেকে, তাহলে কিন্তু আমি সবাইকে 1 নম্বরেই রাখবো, কেননা এখানে কারোর অভিনয় কিন্তু কারোর থেকে কারোর কম না। তো ওভারঅল আমার কাছে ভিডিওটি এবং ভিডিওর ইনফরমেশনগুলো ভালো লেগেছে। আমরা জানি না অ্যাকচুয়ালি ওনারা কত পান, তবে ওনার অনুযায়ী যেটা পাচ্ছে আমরা সেটা নিয়েই আলোচনা করলাম। তো তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি।